दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत झलौन क्षेत्र में एक झोला छाप बंगाली डॉक्टर लंबे समय से लोगों का इलाज कर रहा था, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह मूल रूप से बांग्लादेशी नागरिक है। पासपोर्ट बनवाने के चक्कर में पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान जब इस बात का खुलासा हुआ तो तेजगढ़ थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज करके जेल भेजने में देर नहीं की। इस पूरे मामले को लेकर तेजगढ़ थाना प्रभारी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कल तेजगढ़ दमोह पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है जो यहाँ पे ग्राम झरन में रह के ये प्रैक्टिस कर रहा था। सन 2012 में ये पश्चिम बंगाल आ गया था, बांग्लादेश, अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर अपनी माँ के साथ इलाज है तो। बाद इलाज के इसकी माँ वापस चली गई बांग्लादेश और ये यहीं रह गया और वहाँ पर किसी परिचित के माध्यम से यहाँ पर तेंदुलकरण में आ गया। तेंदुलकरण में एक साल रहा, उसने यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह सीखी। उसके बाद डॉक्टर निहार रंजन मिश्र, बंगाली डॉक्टर, उनके पास ये झलौन में रह के वहाँ पर इसने प्रैक्टिस वगैरह करना चालू किया, सीखा। और 2018 में जब इसकी माँ का देहांत हुआ तो इसको वापस बांग्लादेश जाना था, उसके लिए इसने कागजात वगैरह तैयार किए फर्जी तरीके से। इसने पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि इसने तैयार किए और ये इसने इसी माध्यम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। पासपोर्ट बन जाने पर ये वापस बांग्लादेश जा रहा था, जहाँ पर इसको बॉर्डर पर रोका गया और संदेह के आधार पर इसको चेक किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये संभवत बांग्लादेशी नागरिक है, जिसको वापस कर दिया गया और उसकी पुनः जांच वगैरह हुई। जांच के बाद 16/10/21 को इसके विरुद्ध थाना तेजगढ़ में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और उसके बाद इसके भी कल गिरफ्तारी हुई, जिसको माननीय न्यायालय से जेल भेज दिया गया।